So hey guys, what's up? This is your old Manjul Khattar and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज कोई vlog नहीं होने वाला है, ठीक है? आज की video थोड़ी different होने वाली है. Basically मेरे last vlog के comment section में मैंने एक comment पढ़ा एक बंदे का. वो मेरे को बोल रहा था कि मंजुल भाई अपनी hair care routine के बारे में थोड़ा बताओ, ठीक है? तो मैंने सोचा क्यों ना hair care routine भी इंक्लूड कर दें. उसके अलावा भी मैं रोज़ कैसे रेडी होता हूँ, कौन से प्रोडक्ट्स मैं डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ पर्सनली, मैं आपको वो इस वीडियो के थ्रू बता दूँ. मेरे को पता है पिछले 4-5 साल से जब से मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ तब से बहुत लोग जो है मुझसे ये चीज़ पूछते हैं, लेकिन मैंने कभी इतना डिटेल में बताया नहीं है. थोड़ा सा बताया बट इतना डिटेल में नहीं बताया जितना मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको. प्रॉपरली प्रोडक्ट्स के आपको नाम बताऊँगा, कहाँ से आपको खरीद सकते हो एंड वो कितने के हैं, मैं आपको प्रॉपरली सब चीज़ बता दूंगा इसके अंदर, ठीक है? एंड मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं बहुत बेसिक चीज़ें यूज़ करता हूँ. शायद से आपने वो चीज़ें जो है ऑलरेडी सुनी भी हो और आप यूज़ करते भी हो, तो मैं आपको बस आपने मेरे से पूछा कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, तो मैं इस वीडियो में आपको बस वो बताने वाला हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. सो गाइस, सबसे पहले आप ये चीज़ समझो कि जो कॉस्मेटिक चीज़ें हैं वो आती है सेकेंडरी, उससे पहले आती है आप क्या खाते हो, आपका खान पान कैसा है. सो अपने डाइट में जो है प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो, दाल हरी सब्जियाँ ये सब चीज़ें जो हैं इंक्लूड कर दो. बेसिकली जो आपकी मम्मी बनाकर आपको देती है वो खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो आधी प्रॉब्लम्स तो है वो वैसे ही ठीक हो जाएंगी, ठीक है? उसके अलावा गाइस, आप अपनी डाइट के अंदर फिश ऑयल जो है वो इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है? और मल्टीविटामिंस इंक्लूड कर सकते हो. उसके अलावा फिर अब हम आ जाते हैं गाइस ऑयलिंग के ऊपर, ठीक है? सो मैं हफ्ते में 3 बार ही ऑयलिंग करता हूँ एंड आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो. सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हो. मैं पर्सनली आलमंड ऑयल यूज़ करता हूँ. डाबर का आलमंड ऑयल आता है, ये पक्का भी यूज़ करते होगे. ये बॉटल आती है 280 रुपीज़ की बॉटल है और मैं ये ही यूज़ करता हूँ, ठीक है? रात को मम्मी से चंपी करवाओ, सुबह जो है शैम्पू एंड कंडीशनर से अपने बाल धो लो, ठीक है? शैम्पू जो मैं यूज़ करता हूँ गाइस, दैट इज़ डव का शैम्पू है वो, ठीक है? हेयर डैमेज रिपेयर करने वाला शैम्पू आता है उसका, कोई भी स्टोर में जाओगे आपको मिल जाएगा. उसके अलावा जो मैं कंडीशनर यूज़ करता हूँ दैट इज़ मामा अर्थ का अनियन कंडीशनर आता है, मैं वो यूज़ करता हूँ. अब आ जाते हैं गाइस, बाल सेट करने के लिए मैं कौन सी वैक्स यूज़ करता हूँ. सो दिस इज़ अ वैक्स अवेडा मेन, मैं ये यूज़ करता हूँ. ये वैक्स आपके बालों पे बेसिकली रेजिड्यू नहीं छोड़ेगी एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वैक्स है. ऑर्डर भी इसका जो इसकी एसेंस है इस वैक्स की, ना ज़्यादा खुशबूदार है ना ज़्यादा थोड़ी वियर्ड सी है जैसे वैक्स इसकी होती है, ठीक है? बहुत न्यूट्रल सी है. सो ऐसा लगेगा कि आपने बालों पे मतलब आपके बालों में से कुछ स्मेल नहीं आएगी, ठीक है? किसी भी चीज़ की बहुत न्यूट्रल स्मेल है इसकी. सो आप ये यूज़ कर सकते हो एंड ये बहुत अच्छी वैक्स है, कसम से बहुत अच्छी वैक्स है. ये बाय करो एंड यूज़ करो एंड लेट मी नो कि आपको कैसा रिजल्ट दे रही है, बिकॉज आई कैन नॉट से, मैं ये चीज़ नहीं बोल सकता कि आपके लिए भी ये चीज़ ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, बिकॉज हर किसी के बालों का टेक्सचर स्टाइल और हर किसी के बालों की वॉल्यूम एंड एवरीथिंग वो डिफरेंट होती है, ठीक है? सो यूज़ करो एंड उसके बाद मेरे को बताओ कि अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है? उसके बाद चलो गाइस, अब बाल तो हो गए सेट, ठीक है? तो अब हम लोग आ जाते हैं फेस के ऊपर. बालों से नीचे आ जाते हैं थोड़ा फेस के ऊपर. फेस पर गाइस, जो मैं सोप यूज़ करता हूँ, आई यूज़ टू यूज़ पहले पियर्स का, ठीक है? बेसिक सोप था, मैं वो यूज़ करता था बट मेरे को एक्ने ब्रेकडाउन हुआ था बीच में. तो अभी आई यूज़ अ हैंडमेड सोप, ठीक है? एकलेक्टिक बाथ का सोप है वो. सो बेसिकली हैंडमेड सोप का गाइस ये होता है कि आप अपने हिसाब से वो चीज़ जो है ना कस्टमाइज़ करवा सकते हो. आपको पता है कि आपका स्किन टाइप कैसा है, आपकी ड्राई स्किन है या आपको कौन से उससे रैशेज़ हो जाते हैं या कुछ हो जाता है. सो मैं हैंडमेड सोप यूज़ करता हूँ. मैंने जो अपना सोप है वो इस हिसाब से कस्टमाइज़ करवा रखा है कि अगर मेरे पास फेस वॉश नहीं है तो मैं अपने फेस पे भी वो यूज़ कर सकता हूँ एंड बॉडी पे भी कर सकता हूँ. सो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. सो यस, मैं अपने जो सोप यूज़ करता हूँ दैट इज़ फ्रॉम एकलेक्टिक बाथ. उसके बाद गाइस आते हैं, मैं कुछ टोनर या कुछ ये चीज़ें फेस के मतलब वो स्किन के रूटीन में फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है? मैं बस साबुन लगाता हूँ, नहाता धोता हूँ, उसके बाद बस मॉइस्चराइज़र लगा लेता हूँ. मॉइस्चराइज़र जो मैं लगाता हूँ वो आपको मैं दिखाता हूँ. जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ फॉरेस्ट एसेंशियल्स का सौंदर्य अल्ट्रा रिच बॉडी मिल्क. सो बेसिकली ये बॉडी के लिए है बट मैं फेस पे भी यही लगा लेता हूँ. तो मेरे को जो है इसका अलग जो है फ़र्क पड़ता है. इसमें गाइस
24 कैरेट गोल्ड है और ये SPF 25 है। ये आपको मिल जाएगा अराउंड 295 रुपीज़ का, ये छोटा सा है, ठीक है, ये मिल जाएगा। सो मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करता हूँ, फॉरेस्ट एसेंशियल्स का है ये। उसके बाद गाइस आ जाते हैं परफ्यूम के ऊपर। ऑफकोर्स अगर आपको अच्छा दिखने के साथ अगर आपको अच्छा फील भी करवाना है और साथ में जो लोग बैठे हैं उनको भी अच्छा फील करवाना है, सो यू हैव टू हैव अ गुड एसेंस। अपना बॉडी ऑर्डर जो है आपको वो मेंटेन करना होता है, उसके लिए आई यूज़ टॉम फोर्ड परफ्यूम्स, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सो बेसिकली ये मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ का है अंदर से कि मैं हमेशा अच्छा स्मेल करूँ, ठीक है, कि मेरे आसपास जो बंदे बैठे हैं वो अनकम्फर्टेबल ना हो, पर्सनली डोंट लाइक दैट। सो मैं जो परफ्यूम यूज़ करता हूँ दैट इज़ दिस, ये टॉम फोर्ड का परफ्यूम आता है। मैं इसका भी आपको जो है प्राइस एंड प्रॉपरली नाम मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। इसके अलावा एक ये है, ये भी टॉम फोर्ड का ही है, मैं ये परफ्यूम यूज़ करता हूँ। इसके अलावा भी गाइस मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, बट जो मेरे को पर्सनली बेस्ट लगते हैं वो टॉम फोर्ड के परफ्यूम्स ही हैं, सो मैं वही यूज़ करता हूँ। तो इसके बाद गाइस आ जाते हैं कि मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, मतलब मेरे को ट्रॉल करने का ट्राई करते हैं बेसिकली, बट मैं होता नहीं हूँ, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मेरे को लोग बोलते हैं कि आप अपनी आईब्रोज बनवाते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जो आईब्रोज है वो जेनेटिकली ऐसी ही है, मैंने आज तक हाथ भी नहीं लगवाया है कुछ, ना कुछ टच करवाया है इनके ऊपर। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी आईब्रोज जो है एक शेप में रहें, सो यू कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ वैसलिन, ठीक है, वैसलिन आती है पेट्रोलियम जेली वैसलिन, इतनी सी लेनी है, ठीक है, उसको ऐसे वो करना एंड यू कैन जस्ट अप्लाई ऐसे आराम से, वो आपकी आईब्रोज जो है पूरी सेट रहेंगी। सो मेरे हिसाब से लड़कों के लिए यार तुम लोग को ये भी ज़्यादा ही हो गया, ये भी मैं थोड़ा तुम्हें ज़्यादा ही बता रहा हूँ, बट इतने में मेरे हिसाब से जो है आप रेडी हो सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन फील गुड, यू कैन लुक गुड, यू कैन मेक एवरीवन एल्स फील गुड अराउंड यू। सो यस, मैं सिर्फ ये चीज़ें यूज़ करता हूँ तैयार होने के लिए। इसके अलावा गाइस कुछ अगर मिस हो गया हो वीडियो के अंदर जो कि मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ हो, बिकॉज ये बहुत स्पॉन्टेनियस वीडियो बनाता हूँ, मेरे से कसम से बता रहा हूँ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे से स्क्रिप्ट वगैरह लिखने में आई एम वेरी बैड, जो मेरे को मुँह पे आता है, ठीक है, मैं वही बोल देता हूँ एंड मैं बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली बैठकर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा रॉ रखता हूँ अपनी वीडियोज़ को। सो यस, बाकी इफ़ यू गाइज वॉन्ट कि मैं थोड़ी किसी और चीज़ के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ या कुछ वो करूँ, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप लोग मेरे बारे में, मेरे लाइफ के बारे में क्या जानना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बस ऐसे ही प्यार जो है बरसाते रहो एंड आई ट्राई टू कीप यू गाइज एंटरटेन्ड एंड आई ट्राई टू ब्रिंग न्यू कंटेंट फॉर यू गाइज। सो थैंक यू सो मच एवरी वन अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।